सरकार ने स्मार्ट सिटीज की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 27 शहरों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र से 5, तमिलनाडु कर्नाटक से 4 शहर, पंजाब मध्य प्रदेश से 2 शहर, जबकि गुजरात सिक्किम से 1 शहर को शामिल किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार मई में 13 स्मार्ट सिटीज के नामों का ऐलान कर चुकी है। Five cities from Maharashtra, 4 cities from Tamil Nadu, 4 cities from Karnataka, 3 cities from Uttar Pradesh, 2 cities from Punjab, 2 cities from Rajasthan, and 2 cities from Madhya Pradesh, 1 city from Andhra Pradesh, 1 city from Orissa, 1 city from Gujarat, 1 city from Nagaland, and 1 from Sikkim. This is in addition to those 33 cities. तो हो सकता है कि आपका शहर भी स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में शामिल हो, तो आइए आपको बताते हैं कि जिन नए शहरों के नाम की घोषणा हुई है उनमें कौन कौन से नाम शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 3 नाम है, कानपुर, वाराणसी, आगरा, स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। वहीं अगर हम पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो अमृतसर, जालंधर को स्मार्ट बनाया जाएगा। थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ आए तो मध्य प्रदेश से उज्जैन, ग्वालियर को स्मार्ट शहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं राजस्थान से कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटीज बनेंगी। अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करें तो नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, कल्याण, ठाणे, इन शहरों को 5 जो स्मार्ट सिटीज में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। वहीं और दक्षिण भारत में कर्नाटक से मंगलूर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। गुजरात की तरफ का रुख करें तो वडोदरा को स्मार्ट सिटी के लिस्ट में अब शामिल जरूर किया गया है। तो ये कुछ नए नाम, कुछ नए राज्य जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात कही गई है। बट अब आगे, निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने पर्ल ग्रुप के देश भर की प्रॉपर्टीज को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्ल ग्रुप के पास दिल्ली में 11 एकड़ फार्म हाउस के अलावा नजफगढ़ इलाके में 565 एकड़ जमीन है। दिल्ली के राजोकरी फार्म हाउस की कीमत करीब 450 से 500 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक पर्ल ग्रुप की अधिकतर प्रॉपर्टीज पर कानूनी विवाद है, इसलिए इसकी नीलामी करना आसान नहीं होगा। राजोकरी फार्म हाउस को पर्ल ग्रुप के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू ने सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद सिर्फ 75 करोड़ रुपए में पंकज जैन को बेच दिया था। पीएसएल की प्रॉपर्टीज का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को लोढ़ा कमेटी अब नीलाम कर रही है, ताकि जो निवेशक हैं, निवेशकों के पैसे इन नीलामी से जो पैसे मिलेंगे उनसे उन्हें वापस करने में मददगार साबित हो। इसमें दिल्ली समेत 26 राज्यों में पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, उनमें से एक ये प्रॉपर्टीज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये फार्म हाउस है, लगभग 50 बीघे मतलब 11 एकड़ के आसपास की जमीन है ये, और इसकी कीमत अगर आज की तारीख में देखी जाए तो लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास की है। जिसे इस तरीके की अगर आप दिल्ली में देखें तो इसके पास लगभग 580 एकड़ जमीन पर्ल ग्रुप के पास है। ये जमीन की हम आपको सिर्फ बात बता रहे हैं, जब बाकी जो इसकी बिल्डिंग्स और दूसरी जो एसेट्स हैं वो काफ़ी हैं। हमारे साथ एक इस फार्म हाउस में ही के साथ ही रहने वाले एक शख्स हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। राजेश जी, आपकी भी इस फार्म हाउस के अंदर कुछ क्या लोचा है इसमें? हमारा 1 बीघा जमीन पड़ी हुआ है इसमें अभी भी, 1 बीघा जमीन। तो 1 बीघा जमीन के बीच में सेपरेट नंबर अपना वो खसरा नंबर 570 है, वो अपना ही अभी हमने अभी बेचा नहीं है। तो इसके बीच में आप कैसे निकलोगे? अब तो रास्ता तो है नहीं। नहीं, एप्लीकेशन डिमार्केशन की लगाई थी 2014 में। डिमार्केशन की अब लग 2-3 बार आए थे पटवारी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि निर्मल सिंह भंगू एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो निवेशकों से लिए थे, तो वो पैसा था इनके पास। तो कुल मिलाकर एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, इस वजह से इनके जैसे एक बीघा ज़मीन है, इस ज़मीन की का कोई अब रास्ता इनके पास नहीं है। तो इस वजह से अब निर्मल सिंह भंगू का जो ये फार्म हाउस है उसी में इनकी भी ज़मीन समा गई है। वोडाफोन ने वोडाफोन फ्लेक्स नाम से नई सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहक फ्लेक्स पॉइंट्स के जरिए कॉल, डेटा, एसएमएस और रोमिंग के लिए रिचार्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पैक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज अ न्यू करेंसी दैट वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इन द टेलीकॉम वर्ल्ड फॉर द प्रीपेड कंज्यूमर्स। व्हाट दिस अलाउज अस टू डू इज इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बाय सेपरेट pack, separate programs, separate little vouchers for different uses, the consumer can just buy one flex and use it across, whether it's calling, internet, SMS or roaming capabilities.